हेलो, मेरा नाम है चंद्रेश सागर। यहाँ पे व्हाट्सएप ने एक नया फीचर अपडेट किया है अपनी एप्लीकेशन में, जिसका नाम है न्यू कम्युनिटी। तो न्यू कम्युनिटी फीचर क्या है, किस तरह से वर्क करता है एंड उसके अंदर क्या क्या चीजें अभी अपडेट की गई हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये अपडेट आया था 3 नवम्बर 2022 को एंड आज हम इसके लिए वीडियो बना के ला चुके हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, कुछ पिक्चर्स की मदद से कवर करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ये रोल आउट नहीं हुआ है हमारे व्हाट्सएप में। इसीलिए मैं कुछ पिक्चर के मीडियम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये न्यू कम्युनिटी फीचर किस तरह से वर्क करता है। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं 4 नवंबर 2022 डेट है, मतलब कल ही ये फीचर लॉन्च हुआ है एंड अभी तक यूट्यूब पे हजारों वीडियो इसके बारे में बन चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी प्रॉपर वे में नहीं समझाया है कि ये फीचर किस तरह से आखिर वर्क करता है। तो चलिए आज की हमारी वीडियो में देखते हैं कि कैसे हमारा व्हाट्सएप का न्यू कम्युनिटी फीचर वर्क करता है। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मोबाइल स्क्रीन की पिक्चर आपके सामने है। दोनों मोबाइल स्क्रीन में हमने कम्युनिटी ओपन करके रखी है। तो बेसिकली ये सभी पिक्चर जो भी व्हाट्सएप ने अभी रिलीज की हैं, वही सब हमने यहाँ पे यूज की हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कम्युनिटी है जिसका नाम है सिटी स्कूल पेरेंट्स एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 3 ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किए गए। ओके सॉरी, यहाँ पे ये एक ग्रुप नहीं है, ये दो ग्रुप हमारे यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। ये आई थिंक ब्रॉडकास्ट, मुझे लग रहा है कि ये शायद ब्रॉडकास्ट है या फिर ये कम्युनिटी का ही कोई एक फीचर हो सकता है जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऊपर शो करता है कि ये कम्युनिटी के नीचे ग्रुप दिए गए हैं। ओके, तो इन शॉर्ट जहां तक मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे कम्युनिटी में हम एक साथ ग्रुप को अरेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फैमिली में 8 से 10 ग्रुप अलग अलग बनाए हुए हैं, तो मैं एक कम्युनिटी बना सकता हूँ कि ये मेरे फैमिली ग्रुप है, इसमें मेरे चाचा मामा, इसमें मेरे भाई बहन, इसमें मेरे ताऊ या बड़े पापा, जो भी है सब कुछ इस ग्रुप में मेरे कंबाइन है। जैसे एक फैमिली का अलग ग्रुप हो जाता है, दूसरी फैमिली का एक अलग ग्रुप हो जाता है, तो उन सब ग्रुप को एक जगह मर्ज कर देते हैं, उसे हम बना देते हैं कम्युनिटी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी पिक्चर यहाँ पे हमें दी गई है, तो उसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी स्कूल पेरेंट्स के नीचे लिखा है कम्युनिटी एंड उसके नीचे लिखा है 8 ग्रुप। मतलब यहाँ पे सिटी स्कूल पेरेंट्स में 8 ग्रुप को एक साथ हमने रखा गया है। मतलब एक ग्रुप को हम कंबाइंड करके एक जगह पे रख सकते हैं हमारे कम्युनिटी फीचर में। ये हमारे इस पिक्चर को देख के समझ में आ जाता है। सेम उसी तरह से, इसी तरह से हमें और भी पिक्चर देखने के लिए मिली है। सिर्फ एक ही पिक्चर को नहीं, हमने बहुत सारे पिक्चर यहाँ पे देखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और बिल्डिंग या फिर लोकल रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी हमको सेम यही चीज देखने के लिए मिली है कि कम्युनिटी 12 ग्रुप, यहाँ पे हमने 12 ग्रुप को एक साथ संभाल के रखा गया है। नीचे हमको ऑप्शन मिल जाता है अदर ग्रुप कि आप किसी और ग्रुप में भी एडेड हैं, उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ भी चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रही हमारी वही चारों पिक्चर कंबाइन हमने कर दी है। तो यहाँ पे सिटी स्कूल आ जाता है और बिल्डिंग रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे 8 वर्क वाले हमारे जितने भी कम्युनिटी हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी ग्रुप को कंबाइंड किया हुआ है। आप देख सकते हैं चाहे सिटी में देखें, 8 वर्क में देखें, बिल्डिंग में देखें, रेस्टोरेंट में देखें, तो यहाँ पे आपको सबके नीचे दिखेगा कम्युनिटी 10 ग्रुप, कम्युनिटी 12 ग्रुप, कम्युनिटी 24 ग्रुप, कम्युनिटी 8 ग्रुप एंड यहाँ पे सबके नीचे जितने भी ग्रुप हैं सबके आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा थोड़ा सा अलग फीचर है कि ग्रुप को सबको एक जगह कंबाइन करके रखने का। जैसे मेरे फैमिली में बहुत सारे 8 10 ग्रुप हैं, तो सबको मैं कंबाइन करके रख सकता हूँ कि ये मेरे फैमिली ग्रुप हैं। मेरे कॉलेज के अगर अलग अलग ग्रुप हैं, तो सबको मैं कंबाइन करके रख सकता हूँ, ये मेरे कॉलेज के ग्रुप हैं। सेम उसी तरह से अलग अलग एक्टिविटी के जो भी ग्रुप होते हैं, उन सबको हम कंबाइन करके रख सकते हैं हमारे कम्युनिटी सेक्शन में या फिर हमारे कम्युनिटी फीचर में, आप ऐसा उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कम्युनिटी फीचर वर्क करता है जैसे कि हमें व्हाट्सएप ने बताया है। लेकिन ओरिजिनली किस तरह से वर्क करेगा वो तभी हमको पता चलेगा जब ये फीचर हमारे पास आएगा, जब ये रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक कम्युनिटी फीचर ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं व्हाट्सएप में। तो जैसे कि आप हमारे अभी ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि कोई भी हमारा ग्रुप है तो रिएक्शन, तो वो तो कॉमन है, पहले भी आ चुका है रिएक्शन का, तो वो आ जाता है। ठीक है, एंड सबसे नई बात, यहाँ पे हम 2 GB तक की फाइल अब व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। एडमिन डिलीट कर सकता है कोई भी मैसेज को, जैसे कि यहाँ पे बहुत पुराने हो चुके हैं ये फीचर, 3 4 महीने से हम
देख सकते हैं, कोई भी एडमिन वहां पे डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे इन चैट पोल भी हमको अब देखने के लिए मिल जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और एक और नया फीचर जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है, वो आ जाता है 32% वीडियो कॉल। ओके, तो अगर 32 लोग तक आपके ग्रुप में है तो आप वहां पे वीडियो कॉल कर सकते हैं 32 के 32 लोगों को एक साथ। एंड नॉर्मल कॉल भी आप अगर करना चाहते हैं तो वहां पे आप इन्वाइट कर सकते हैं अब 232 पीपल तक। ओके, मतलब 32 लोगों तक आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, चाहे वो ग्रुप में हो या फिर अगर पर्सनली एक एक करके भी ऐड करना चाहे तो भी वहां पे आप कर सकते हैं। तो ये कुछ नए फीचर व्हाट्सएप ने आए थे। और एक और नया फीचर जो व्हाट्सएप ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है वो है 1024 मेंबर पर ग्रुप। तो जिन ग्रुप के लिमिट 256 मेंबर तक की थी, अब वो बढ़ा के 1024 मेंबर कर दी गई है। तो ये थे कुछ हमारे व्हाट्सएप के नए फीचर। एंड ये अगस्त मंथ में एक और फीचर आया था जिसमें हम प्राइवेसी कंट्रोल कर सकते थे। अब जैसे कि हमने कोई भी एक मैसेज या कोई भी एक इमेज भेजा है जो वन सीन वाला है, तो उसको हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। अगर हमने कोई भी ग्रुप एग्जिट किया है तो उसका नोटिफिकेशन सिर्फ एडमिन के पास जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि इस पर्सन ने, इस बंदे ने वहां पे ग्रुप को लेफ्ट किया गया है। एंड हमारा जो लास्ट सीन है, लास्ट सीन हम बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं बताना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन स्टेटस हम नहीं बताना चाहते हैं तो उसकी जगह हम कर सकते हैं कि ऑनलाइन मत दिखाओ, मेरा जो लास्ट सीन था वो आप वहां पे दिखा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी अपडेट में भी। ये किया था अगस्त मंथ में, बट यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन के साथ हमने इसे कंबाइन करके आपको बता दिया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कि ये कम्युनिटी फीचर आपको कैसा लगा है एंड क्या ये हेल्पफुल है। जो मेन फीचर होगा कम्युनिटी का जब वो रोल आउट होगा तो उसके बारे में हम डेफिनेटली एक वीडियो बनाएंगे, फुल डिटेल वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे कि किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे आप अपने ग्रुप ऐड कर सकते हैं एंड कोई और चीज उसमें अपडेट कर देते हैं तब तक, तो उसके बारे में हम डेफिनेटली वहां पे कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में।